तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ वाराणसी के लहुराबीर, ये जो देख रहे हैं ये है लहुराबीर चौराहा। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लहुराबीर से काल भैरव मंदिर तक के नज़ारे। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और ये जो सीधे रास्ता देख रहे हैं ये सीधे आपका रेलवे स्टेशन के लिए भी चला जाएगा और तेलियाबाग के लिए भी चला जाएगा। और हम लोग चल रहे हैं काल भैरव मंदिर के लिए। तो लहुराबीर से हम लोग को सीधे मैदागिर होते हुए काल भैरव मंदिर के लिए चलेंगे। ये देखिए उस साइड आप देखेंगे तो उस साइड का रास्ता बंद है। और देखा जाए तो इस समय कुछ सीवर का कार्य चल रहा है। और देखा जाए तो पूरे साल भर में कहीं ना कहीं अपने वाराणसी का जो सड़क है हमेशा खुदाता रहता है। और यह जो कार्य है मैं इसे लगभग 6 महीने से देख रहा हूँ। और दोस्तों सामने जो देख रहे हैं ये है कबीर मठ तिराहा, जो कि एक कबीर मठ है जहाँ पर कबीर दास जी पाए गए थे वो लहरतारा में है। और जो उनके माता पिता का घर था ये आपका इसी जगह स्थित है कबीर मठ के पास, यानी कि आपका देखा जाए तो कबीर चौराहा। देखिए एक आगे भी त्रिमुहाने है जो कि दाहिने साइड वाला रोड आपका सीधे बिनियाबाग पार्क होते हुए नई सड़क के लिए चला जाएगा। और इस साइड आपका है सरकारी अस्पताल कबीर चौराहा का। ये देखिए ये जो है ये है आपका महिला चिकित्सालय। ये देखिए ये है मंडली जिला चिकित्सालय। और आपका इस साइड देखा जाए तो ये जो दाहिने साइड में जो गली जा रहा है इसके अंदर आपका है गोला दीनानाथ मार्केट। इस मार्केट में आपको काजू किशमिश बादाम यानी जो मेवा के सामान है वो भी आपको मिल जाएंगे। और इस मार्केट में आपको जड़ी बूटी और मसाला भी आपको मिल जाएगा और वो भी थोक रेट में। और अभी हम लोग आ गए हैं लोहटिया। और लोहटिया में ही काफ़ी प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। ये देखिए ये जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधे आपका गणेश जी मंदिर के पास चला जाएगा।
और देखिए इस साइड जो ये जो गली देख रहे हैं ये सीधे आपका देखा जाए तो दवा मंडी जो बनारस का सबसे बड़ा होलसेल दवा मंडी है, सब सागर दवा मंडी जिसे कहा जाता है, वो उस मार्केट के लिए चला जाएगा। और सामने है मैदागिन चौराहा जो कि बाएं साइड वाला रोड आपका हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के लिए चला जाएगा जो कि बगल में ही है। और ये जो दाहिने साइड वाला रोड है ये सीधे आपका चौक होते हुए गोदौलिया के लिए चला जाएगा। ये देखिए बगल में ही है आपका हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। और ये है मैदागिन का मार्केट। और इस साइड देखेंगे बाएं साइड में है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र उद्यान जिसे कंपनी बाग के भी नाम से जाना जाता है। और इस साइड जो दाहिने साइड वाला जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधे आपका मालवी मार्केट के लिए चला जाएगा। और यहीं पर देखिए एक कोतवाली भी है, वाराणसी कोतवाली। ये देखिए ये है मैदागिन का डाकघर। तो दोस्तों सामने है काल भैरव चौराहा जो कि दाहिने साइड वाला ये जो देख रहे हैं ये जो आपका प्रवेश द्वार बना हुआ है यही आपका सीधे काल भैरव मंदिर के लिए चला जाता है जैसा कि मैं लेके आपको चल रहा हूँ। देख रहे हैं सुबह का समय है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दर्शनार्थियों का, जैसा कि आप देख रहे होंगे जो कि दर्शन करके महिलाएं और जो पुरुष हैं वो लोग भी आ रहे हैं अपना। और ये जो देख रहे हैं ये आपके वाराणसी के लोग नहीं है, ये है आपके साउथ इंडियन। ये देखिए ये गली में है जिसकी वजह थोड़ा जाम लग जाता है। और देखिए ये दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे एक जो कि एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है काल भैरव मंदिर जाने का रास्ता। तो देखिए यही मंदिर है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।